सो चारकोल पे दूसरी या तीसरी लेयर या फिर हैचिंग के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करता हूँ, तो वो अपने पास रखता ही हूँ। और हाईलाइट्स के लिए मैं नॉर्मल इरेज़र यूज़ करता हूँ और नीडेबल इरेज़र, वो अपने पास हमेशा रखता हूँ। उसके बाद मैं मुझे किसी भी एरिया के अंदर अगर शेडिंग करनी तो उसके हिसाब से मैं सारे ब्लेंडिंग से अपने पास रखता हूँ। और स्मूथ शेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है जिससे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल में, वो है ब्रश। मैं सारे तरह के ब्रश अपने पास रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कम्फर्टेबल फील होता है ना उसे शेडिंग करने में। उसके बाद मैं कॉटन का यूज़ करता हूँ मैं टोन के लिए, और ये वाले पेंसिल्स मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ड्राइंग के लिए, ये है माउंट माटिक चारकोल पेंसिल्स। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और जो भी मैंने इसके अंदर ऑब्ज़र्व किया है पेंसिल यूज़ करते हुए उसके हिसाब से मैंने ये वाली पेंसिल्स अभी इस ड्राइंग में यूज़ कर रहा हूँ। और पहले भी दूसरे ड्राइंग्स में ये वाली पेंसिल यूज़ कर चुका हूँ मैं, इसको मैंने स्टेशनरी शॉप से बाय किया था। ये ज़्यादा खास पेंसिल नहीं है, एक काम करूँगा मैं इसका एक रिव्यू वीडियो में अलग से बना लूँगा कि पेंसिल्स कैसे हैं, और आप बाय करो या मत करो मैं आपको बता दूँगा इसके बारे में। इनकी जो लीड्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है, बट इनके जो शेडिंग से जो इफ़ेक्ट आता है ना, स्मूथ शेडिंग होती है, बहुत अच्छी होती है।